हेलो एवरीवन, प्रिया हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल है 30 और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे तो 30 करना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ब्लॉग जो है ये 30 स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो से बने रहिएगा। आगे जो कुछ भी होगा या मैं जो भी करूँगी वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ मुझसे जितना हो पाएगा। तो फिलहाल आज तो है नहाए खाए, तीसरे दिन पहले वाला, जिसे हमारे यहाँ नहा खाई कहते हैं। आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो नहा खाई कहते हैं। तो नहाना तो मेरा हो चुका है और खाने का क्या प्लान है, मैंने क्या क्या बनाया है ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए, हमारे यहाँ नहाए खाए का जो खाना है वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनता है, बिना प्याज और लहसुन का। इसलिए देख सकते हैं मैं यहाँ नया गैस चूल्हा और नया बर्तन यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस, खाने मैंने चावल, दाल और दो तरह की सब्ज़ी बनाई है, बस पकौड़े बनाने बाकी है जिसका सारा प्रिपरेशन मैंने करके रखा है। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अरहर की दाल, लौकी की सब्ज़ी और यहाँ मैंने परवल फ्राई बनाया है बिना प्याज और लहसुन का। और ये मैंने पकौड़े का घोल तैयार करके रखा है। पकौड़े के लिए मैंने आलू, लौकी और परवल को इस तरह से कट करके रखा है। हमारे यहाँ तो इसे पकौड़ा नहीं कहते हैं, बचका कहते हैं। तो प्रिपरेशन पूरा है, बस अभी से फटाफट से रेडी कर लेते हैं। तो सब कुछ बना लिया है मैंने और सब कुछ रेडी करके रखा है। अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में खाने के बाद, तब तक के लिए टाटा। तो खाना खा लिया मैंने और लगभग सारा काम हो चुका है। अब बारी है मेहंदी लगाने की, देख सकते हैं आप। एक हाथ में तो मैं खुद से मेहंदी लगा लूँगी और दूसरे हाथ में हबी लगा लेंगे, लेकिन अभी वो ऑफिस का काम कर रहे हैं तो दूसरे हाथ में मेहंदी लगा के। ये देख सकते हैं मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा लिया है और दूसरे हाथ में हबी लगा देंगे। लगभग पूजा का सब काम हो चुका था, बस चूरन बनाना बाकी था, जिसके लिए मैंने चावल को मॉर्निंग में ही धो के रखा था। तो ये सूख चुका है, अब हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं पाउडर जो है वो रेडी है, अब हम इसे भुनेंगे। तो ये मैंने गैस ऑन किया और इस पर हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो जाने पर मैंने जो चावल का आटा रेडी करके रखा था, आटा या पाउडर जो भी कह लो आप, वो इस कढ़ाई में डालेंगे और चूरन को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने डाल दिया चावल का आटा और धीमे आंच पे हम इसे भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चावल का आटा घर में बनाना बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बस चावल को धो के पंखे के नीचे 1 से 2 घंटे तक रख दीजिए। आप चाहो तो धूप में भी रख सकते हो और जब ये अच्छे से सूख जाए, इसमें ज़रा भी पानी ना रहे, फिर आप इसे एक मिक्सिंग बोल में डालो और अच्छी तरह से पीस लो। बस आपका चावल का आटा जो रेडी हो चुका है। तो हमारे यहाँ तीज की पूजा में इस चूरन का बहुत ही महत्व है। ये कल भगवान जी के पास भी रखा जाएगा और जिस दिन मेरा व्रत ख़त्म होगा उस दिन चावल के आटे का चूरन को खा के पानी पी के ही व्रत टूटेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे चीनी और घी। तो ये काम मैं सुबह में कर लूँगी, फिलहाल इसे ठंडा होने देते हैं और चलते हैं डिनर कर लेते हैं अब जल्दी से। तो गाइस, डिनर कर लिया है मैंने, अब मैं जा रही हूँ दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने, उसके बाद मैं सो जाऊँ। मेरे दूसरे हाथ में भी मेहंदी लग चुकी है और हबी ने लगाया है। एक बार मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, काफ़ी क्यूट है ना। ढाई बज रहे हैं अभी, मैं सो के उठ चुकी हूँ। मुझे जो भी हल्का फुल्का खाना पीना है वो मैं खा लूँगी क्योंकि कल मुझे कुछ भी नहीं खाना है, कल मेरा फास्ट रहेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 30 अगस्त यानी कि 30। तो मुझे पता नहीं है कि मैं ये वीडियो कब पब्लिश करूँगी, बट हाँ, आप सबको मेरी तरफ से 30 की हार्दिक शुभकामनाएं और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे फ्लैट के जस्ट पीछे दुर्गा पूजा का पंडाल प्रिपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है उसकी वॉइस आपको इस वीडियो में सुनाई दे रही हो। तो जहाँ तक मुझे पता है 30 का पूजा तो शाम में किया जाता है, तो मैं यहाँ पर सुबह उठ के एक बार पूजा कर चुकी हूँ। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैंने सिंदूर वगैरह लगाया, तो मैंने पूजा कर लिया है और बाकी का जो काम है वो मैं अभी फटाफट से कर लूँगी। और पहले
पूजा का सारा काम करके रेडी करके रखूँगी, उसके बाद फिर मैं रेडी होने जाऊँगी। तो मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज फास्ट भी है और हो सकता है मैं प्रॉपर तरीके से ना दिखा पाऊँ, बट मुझसे जितना हो पाएगा मैं शेयर करूँगी। यहाँ मैंने पूजा की थाली सरिया के रख ली है, इसमें बस चूरन रखना बाकी है। चूरन मैंने कल रात में भून लिया था, बस इसमें चीनी और घी ऐड करना है। तो ये डाला मैंने 1 चम्मच चीनी, अब इसमें मैं डालूँगी घी और उसके बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमारा चूरन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं चूरन रेडी है, अब इसे भी मैंने थाली में रख दिया है और पूजा की थाली जो है वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो इसे अब रख देते हैं साइड में और आपको बाकी की तैयारी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं मैंने फ़ोटो, कथा का बुक जो है और थाली वगैरह सब कुछ रख लिया है, और भी कुछ कुछ बाकी है वो मैं धीरे धीरे रखती जाऊंगी एक एक करके। मेरे पास बहुत सारे फूल थे तो यहाँ देख सकते हैं मैंने भगवान जी के लिए फूलों का माला तैयार करके रखा है, फ़ोटो के साइज़ का छोटा सा क्यूट सा माला बनाया है मैंने। पूजा जो है वो जनरली तो शाम में किया जाता है, बट इस बार मुहूर्त का कुछ इशू है जिसकी वजह से एक टाइमिंग सुबह का है और एक टाइमिंग शाम का है। तो सुबह में तो मैंने पूजा कर लिया है और शाम की पूजा की तैयारी मैंने करके रखी हुई है। तो और जो बाकी है वो मैं कर लूँगी। तो अभी मुझे पैर में आलता लगाना है, तो चलते हैं फटाफट से, वो भी कर लेते हैं। पूजा की सारी तैयारी हो गई है, अब बारी है थोड़ा सजने संवरने की। तो चल तो गाइज़ यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब चलते हैं फटाफट से ड्रेस चेंज करने, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये साड़ी मैं वेयर करने वाली हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बट मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। और इस डिब्बे में है बैंगल्स, तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं। वेट इज़ ओवर गाइज़ एंड आई एम रेडी। ये देख सकते हैं मेरा फुल एंड फाइनल लुक है। ये मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है, चूड़ियाँ नहीं एक्चुअली ये लड़ी है। हमारे यहाँ लाख की चूड़ी पहनना शुभ होता है शादी या तीज वगैरह में। मैंने बहुत ही सिंपल एंड इजी लुक क्रिएट किया है। अगर आपने मेरा मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं वैसे भी हैवी मेकअप अवॉइड ही करती हूँ। तो चलते हैं नीचे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी कैसी लग रही है।
बाद का लुक। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका तीज कैसा रहा। मेरा तो तीज बहुत ही अच्छा रहा और अब बस रात भर बाकी है, कल मॉर्निंग में ही फास्ट ख़त्म होगा और रात भर तो अभी कुछ खाना पीना है नहीं। तो ऐसा करते हैं, इस ब्लॉग को अब ख़त्म करते हैं। ये था मेरा तीज स्पेशल ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।